डॉक्टर इलियास अहमद के समर्थन में प्राइवेट चिकित्सक संघ श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 सूत्री राज्यपाल संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से चिकित्सकों ने अपनी आवाज उठाई है। डॉक्टर पर हमले और हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ पर कार्रवाई की मांग। प्राइवेट चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। चिकित्सकों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की भी मांग की है। दुकानदार ने किसान को नकली डीएपी बेची, बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुकानदार ने डीएपी सरकारी रेट से भी ज्यादा कीमत पर बेची। किसान ने दुकानदार से 1500 रुपए कट्टे के हिसाब से खरीदी डीएपी। किसान ने दुकानदार पर नकली डीएपी बेचने का आरोप लगाया। डीएपी में राख की मिलावट की गई है। किसान ने दुकानदार के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी। अहमदगढ़ थाना कस्बे का मामला। पंचायत चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया जारी, फरीदाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं। सरूपुर गांव में चल रहा है पंचायती चुनाव, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए मुस्तैद दिखी पुलिस। माहौल बिगड़ता देख लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया गया। कानपुर में तेंदुओं का आफत देखने को मिला है, फिर एनएसआई में तेंदुआ देखा गया है। तेंदुआ गर्ल्स हॉस्टल के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। वन विभाग की टीम जंगल में तलाश कर रही है। आईआईटी एनएसआई के आसपास क्षेत्रों में अलर्ट जारी हुआ है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। यूपी पुलिस पैसेंजर्स कल्याण संस्थान में वार्षिक अधिवेशन, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता। राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। पुलिस के कई अन्य अधिकारी भी पहुंचे। कई रिटायर्ड अधिकारी पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में मौजूद रहे। तमाम समस्याओं को लेकर डीजीपी के साथ बैठक में मंथन हुआ। महानगर में रेडियो मुख्यालय में हो रही बैठक। तीन निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वजीरगंज प्रभारी निरीक्षक रहे राजेश कुमार मिश्रा लाइन हाजिर किए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज बनाया गया है। प्रभारी रिट सेल को निरीक्षक गाजीपुर बनाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने तीन निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की लाश मिली है, रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली के धुलेड़ी के रहने वाली बताई जा रही है महिला। सूचना पर मृतिका का पति पहुंचा। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है महिला। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज रोड का मामला बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।